तक सिर्फ सीरियलों में और टीवी पर ही देखा था कि भूत होते हैं, लेकिन हमारे इस घर में भी एक भूतनी है और वो मेरी ही बहू को परेशान कर रही है बिना वजह। भावना, देख जरा नीचे। बेवकूफ, भूत भूत कुछ नहीं। सॉरी। आज तो कोई भूत भूत नहीं है, खामखा डर रही है। भाभी, अभी तो आप मुझे बेवकूफ कह रही थी और इस भूत से डर गई। ये सारा किया धराया उस पायल का है। सब चीजों के लिए वो पायल जिम्मेदार, सिर्फ पायल। तो फिर बैठ, कि मैंने आज तक ऐसी मतलबी लड़की नहीं देखी है जो खुद की जान बचाने के लिए हम सब की जान को जोखिम में डाल रही है। अपनी बहन के पास न जाए कम से कम, ये घर छोड़कर तो जा सकती है। हो सकता है कि उसकी बहन बदला लेने के लिए उसके पीछे ही चली जाए, फिर दोनों बहनें बैठकर आपस में निपटती रहे, जो निपटना है और जैसे निपटना है। कहाँ? मुझे तो लगता है ये काजल के साथ साथ में पायल भी हमारे घर को तबाह करके ही छोड़ेगी। त्रिकाल बाबा को वहां कुछ मिला होगा या नहीं, मुझे तो बिंदिया की बहुत फिक्र हो रही है। ईश्वर करे कि बाबा को माँ के यहाँ कुछ मिल जाए, जिससे इस घर पर आया संकट दूर हो जाए और घर वालों को भी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। श्री मातृशरणम अम्बे अम्बे अम्बे। माते 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 ओ हिम हिम फट श्री दुर्गाय नमः। ओ शमशान वासिनी महिषासुर मर्दिनी मातेश्वरी दुर्गेश्वरी अम्बे 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 जगम्बे। इसे देखो देखो, इसे इस पर ध्यान केंद्रित करो, अपना सारा ध्यान इस पर केंद्रित करो। अब तुम्हारी आंखें नींद से बोझिल होती जा रही, क्योंकि तुम्हें बहुत तेज नींद आ रही है। अब तुम सोना चाहती हो गहरी नींद में। काजल को बुलाओ। काजल, हे काजल, देख तेरी बुआ तुझे बुला रही है। बेटा कहाँ है तू? ऐसा लग रहा है जैसे
जैसे कोई मुझे बुला रहा है। पुकारो और पुकारो, तुम उसे तब तक पुकारती रहो जब तक वो तुम्हें उत्तर ना दे दे। कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा। देख तेरी बुआ तुझे बुला रही है बेटा। ये तो बुआ की आवाज है, लेकिन बुआ मुझे क्यों बुला रही है? बेटा अच्छा हुआ कि तुमने मेरी आवाज सुनी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। उससे पूछो कि उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम उसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहते हैं। बोलो उसको। काजल बेटा, मैं तेरी मुक्ति चाहती हूँ। मुझे बता कि तेरी मुक्ति कैसे होगी? मेरी आत्मा को मुक्ति तब मिलेगी जब मैं बिंदिया और पायल दोनों को जान से मार दूंगी। और उस तुर्क बाबा से कह देना जो मुझे यहाँ से निकलवाने आया है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। बल्कि अगर उसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो वो भी मौत मारा जाएगा। वो क्या, बल्कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। मैं जो अपना मकसद लेकर आई हूँ उसे पूरा करके रहूंगी। मैं उसे पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जान लो बुआ, मुझे मेरे मकसद से मत हिलाना। ना कहीं ऐसा ना हो बुआ भतीजी का रिश्ता ही भूल जाओ। रोको उसे गुंजवाला, वो तुम्हारी बात को टाल रही है। पुकारो उसे। काजल, ऐसे छोड़ के मत जाओ। काजल देख, तेरी बुआ को कितनी तकलीफ हो रही है। तू दूसरों को तो दुख पहुंचा ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ तू अपने आप को भी दुखी कर रही है। बेटा, तुझे याद है कि तू हमेशा हमेशा कुछ भी करने से पहले अपनी बुआ की सलाह लेती थी, है ना? याद है मुझे। तो फिर आज ऐसा क्यों नहीं कर रही हो काजल? क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ उठा चुका है बुआ। अब आप मेरी बात मानिए। मेरा शरीर तो जल चुका है, अब पिंडिया का शरीर मेरा ठिकाना बन चुका है। शरीर जलने के बाद तो आत्मा मुक्त हो जाती है ना? फिर तेरी आत्मा क्यों मुक्त नहीं हुई बेटा? जब तक मैं अपनी जिद पूरी नहीं कर लेती, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी और मैं अपना बदला लेने में कामयाब हो जाऊंगी। ऐसे काम नहीं चलेगा कुंजवाला। उसे भयभीत करो, डराओ उसे। काजल, मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। देखो, त्रिकाल बाबा के पास बहुत शक्ति है, वो तुम्हें भस्म कर देंगे बेटा। मत करो ऐसा। कब तक तुम भटकती रहोगी? तुम्हारी मुक्ति नामुमकिन हो जाएगी काजल। ठीक है, तो अपने बाबा से कह देना जो उससे बन सकता है वो कर ले, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। सबसे पहले मैं पायल को जान से मार दूंगी और उसके बाद मैं घी वाला परिवार का नाश कर दूंगी। एक एक को जान से मार दूंगी मैं, जान से। मैं जानती हूँ बुआ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये जो कुछ तुम कह रही हो, बल्कि तुमने ये बाबा तुमसे कहलवा रहा है। अरे मूर्ख बाबा, तू 100 जन्म और तपस्या कर ले तब भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा तू मुझे।
ये बात तो तू भी जानता है बाबा, मेरा शरीर जलने के बाद तेरे पास कोई हथियार नहीं है मुझे पकड़ने के लिए। अमावस्या तक मेरी ताकत और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। जय महाशक्ति, जय महामाया, तेरी कृपा के हम आभारी हैं, धन्य है माते। अम्बे अम्बे अम्बे। कुंज बाला वापस आ जाओ, हमारी दुनिया में पुनः वापस आ जाओ, लौट आ जाओ। संभल के, मैं बाबा, मैं क्या हो गया था मुझे, कहाँ थी मैं अब तक? तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था, तुम यहीं थी हम सभी के बीच, काजल से बातें कर रही थी। काजल से? लेकिन मैं... शांत बच्चा, शांत। अपने मस्तिष्क पर अधिक दबाव नहीं डालते, हमें जो जानना था हम जान चुके हैं। हम इस घर के कपाल गृह में जा रहे हैं, जय महामाया। रुक जाओ, कोई अंदर नहीं आएगा। बाबा यहां क्यों आए? ये अचानक से बाबा को स्टोर रूम में जाने की क्या सूझी? शक्ति, जय महामाया। ओम ह्रीं क्लीं फट चामुंडाय नमः। मैंने आज तक ऐसी मतलबी लड़की नहीं देखी है जो खुद की जान बचाने के लिए हम सब की जान को जोखिम में डाल रही है। अपनी बहन के पास न जाए कम से कम, ये घर छोड़कर तो जा सकती है।
पायल मेरे पास आ जाओ। पायल प्लीज मुझे बचा लो, वरना मुझे काजल मार डालेगी। पायल पायल प्लीज मुझे बचा लो, तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? पायल 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 अपनी बिंदिया को बचा लो पायल, वरना तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी। पायल पायल प्लीज मुझे बचा लो, कोई मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा है? जानकी, रोहित, कोई तो मुझे बचा लो। पायल पायल तुम सुन रही हो ना? अजय मार देगी मुझे। मुझे काजल से बचा लो जानकी। पास आ जाओ, काजल मुझे जान से मार देगी। अगर तुम मुझे बचाने नहीं आई तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। पायल तुम मेरी बात सुन रही हो ना? पायल पायल अपने कदम मत रोको, वरना ये काजल मुझे मार देगी। अपनी बिंदिया को बचा लो पायल, ये बात सुन रहा है? हाँ पायल, पायल यहाँ मेरे पास आ जा। देखो इसे, इस काजल ने मेरा क्या हाल किया है। देखो मुझे कितना मारा है। मैं इस रूम के अंदर नहीं रहना चाहती। प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरा दम घुट रहा है। मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, मैं मर जाऊंगी। प्लीज पायल पायल आ जाओ, पायल आ जाओ मेरे पास, आ जाओ पायल, आ जाओ मेरे पास, खोल दो दरवाजा पायल, आ जाओ प्लीज मेरे पास आ जाओ। मुझे बचा लो काजल से, बिंदिया को, अपनी बिंदिया को बचा लो प्लीज पायल, मुझे बचा लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। आ जाओ पायल, मुझे